बिल्कुल, देखें हमें ये पता था कि वेस्ट इंडीज़ के पास तेज़ बॉलर मौजूद हैं और हमने अपनी भरपूर प्रैक्टिस की थी और हमें पता था कि उनके पास 90+ के बॉलर हैं और वो हमें इस टाइप की बॉलिंग करेंगे। आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट 10 ओवर्स में हमने काफ़ी विकेट लूज़ किए, कुछ हमारी शॉट सिलेक्शन जो है वो ज़रा अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर हम थोड़ा सर्वाइव कर जाते फर्स्ट 10 ओवर्स में तो आई थिंक सिचुएशन थोड़ा बेहतर हो सकती थी। देखिए बिल्कुल मायूसकुन है बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो है 8 मैचेस बाकी हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है अपनी टीम में कि हमारी टीम जो है कि टूर्नामेंट में अच्छा कर सकती है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इस मैच को भूल के जो है वो अगले मैच में अच्छी तरह कमबैक करें इस टूर्नामेंट में। देखिए ऐसी बात नहीं कि वेस्ट इंडीज़ टीम जो है वो एक हल्की टीम है और आपको पता है कि उनके पास अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, अच्छे फास्ट बॉलर मौजूद हैं जो कि अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं। पिछले 6 3 4 महीने से वो टीम जो है वो अच्छी क्रिकेट खेल रही है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि आज हमारा बैड डे था और हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली थ्रू आउट, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है टूर्नामेंट में अभी 8 मैचेस बाकी हैं, इंशाल्लाह टीम कमबैक करने की सलाहियत रखती है और इंशाल्लाह हम कमबैक करेंगे एज अ टीम। नहीं देखें ऐसी बात नहीं थी, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है और मैंने पहले भी पहले कहा है कि जो जैसे मैच 10:30 स्टार्ट हो रहा है तो ओवरकास्ट कंडीशन जो है यहाँ आपको पहले 1-1.5 घंटे में आपको मिलेगी, अगर सन सूरज नहीं आता है तो बॉल जो है वो इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आज पिच भी थोड़ा सा डिफरेंट खेला है, जैसे कि नॉटिंगम का पिच यहाँ पे होता है हमेशा अच्छा बैट जो है अच्छा बॉल जो है वो बैट पे आता है, लेकिन अगर आप अभी लेटर ऑन भी देखेंगे तो बॉल थोड़ा फंस रहा था यहाँ पे। और जहाँ तक रही बात प्लान की तो प्लान बिल्कुल लड़कों के पास है, मैंने कहा जैसे फ़खर जमान का एक स्टाइल है खेलने का वो इसी स्टाइल में ही खेलेगा, आप उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इमाम का दूसरा रोल है, फ़खर का दूसरा रोल है। आई थिंक मैं समझता हूँ हमारी जो दो पहली विकेटें हैं वो आई थिंक बहुत सॉफ्ट गिर गई, एक इमाम लेग साइड से कॉट बिहाइंड हो गया, अनफॉर्चुनेटली फ़खर का जो है वो हेलमेट से लग के बॉल चला गया। अगर ये चीज़ें आई थिंक नहीं होती तो मैं समझता हूँ सिचुएशन बेहतर होती है आज। देखिए जी पहली बात तो ये कि देखिए जहाँ तक श्री शॉर्ट बॉल की बॉल तो हमें ये पता था कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो हमें इस टाइप की बॉलिंग करेंगे और हमने अपने लिहाज से पूरे प्रिपेयर किया था। अनफॉर्चुनेटली आज हमारा बैड डे था बैटिंग में, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि 10 ओवर में जो है पहले 3 विकेटें जो है हमारी गिर गई, उसकी वजह से जो है हम लोग मैच में वापस नहीं आ सके। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि हमारी प्रिपरेशन पूरी थी, बस आज बैड डे था जिसकी वजह से हम लोग आज अच्छा नहीं कर पाए एज अ टीम। देखिए जी हिकमत है अमली यही है कि जो अब आपकी टीम है आपको पता है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टीमें जो हैं वो इस टूर्नामेंट में मौजूद हैं, तो आपको अच्छे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पहले बैटिंग करते हैं और ओवरकास्ट कंडीशन होती है तो कोशिश ये करनी चाहिए एज अ टीम कि हमें जल्दी विकेट ना गिरें, अगर हमारी जल्दी विकेट ना गिरें तो हम मैच में बेहतर अच्छा खेल सकते हैं। आई थिंक डेफिनेटली प्रेशर तो बिल्डअप हुआ था जब आपकी दो पहली विकेट गिरी थी 4th ओवर में, और लेकिन आई थिंक जो उसने स्पेल किया आई थिंक वो थोड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से हमारे उसने 2 विकेट लेके हमें बैकफुट पर कर दिया।